हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, आज के वीडियो में हम महादेव जी की कंप्लीट आउटलाइन में कलरिंग करने वाले हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर डोम्स के 12 शेड्स वाले कलर पेंसिल का यूज करेंगे। एंड गाइज, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने इससे पहले पार्ट 1 में आप लोग किस तरीके से आउटलाइन को ड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने कम्प्लीट ट्यूटोरियल वीडियो बनाई है। तो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक आउटलाइन की वीडियो नहीं देखी है तो सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से देख लेना। तो चलो गाइज, आज की ट्यूटोरियल वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, मैं सिंपली सबसे पहले जो मैंने पार्ट 1 में आउटलाइन को ड्रॉ करके दिखाया था तो थोड़ी ज्यादा डार्क है, तो मैं पहले उससे सिंपली नीडेड इरेजर का यूज करके हल्की हल्की सी इरेज कर रहा हूँ। एंड गाइज, इसके बाद मैं सिंपली फेस में कलरिंग करने के लिए मैं सबसे पहले रेफरेंस फोटो में लाइट एंड डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके, जैसे कि गाइज रेफरेंस फोटो के लेफ्ट साइड में काफी ज्यादा डार्क एरियाज है, तो मैं सिंपली यहाँ पर लेफ्ट साइड में डार्क एरियाज में कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पर डार्क ब्लू कलर का यूज करके सिंपली रेफरेंस फोटो में हाईलाइट एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली हाईलाइट एरियाज को छोड़कर ही ब्लू कलर का यूज करके कलरिंग कर रहा हूँ। एंड गाइज, आप लोगों को सिंपली पहले इसी तरीके से रेफरेंस फोटो के लेफ्ट साइड को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली आप लोगों को डार्क ब्लू कलर का यूज करके कलरिंग कर लेना है। एंड गाइज, रेफरेंस फोटो के जैसे कि राइट साइड में लाइट एरियाज हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पर सबसे पहले ब्राउन कलर का यूज करके रेफरेंस फोटो के राइट साइड में जो भी डार्क एरियाज हैं, मैं सिंपली वहाँ पर ब्राउन कलर का यूज करके सिंपली वैसे ही हाईलाइट एरियाज को छोड़कर कलरिंग कर रहा हूँ। तो गाइज, मैंने ब्राउन कलर का यूज करके कंप्लीट फेस में कलरिंग कर दी है। इसके बाद अब मैंने सिंपली जो डार्क एरियाज में डार्क ब्लू कलर का यूज करके कलरिंग किया था, उसमें अब मैं सिंपली लाइट ब्लू कलर का यूज करके सिंपली वैसे ही हाईलाइट एरियाज को छोड़कर कंप्लीट पार्ट में शेड कर रहा हूँ। एंड गाइज, जहां पर भी मैंने ब्राउन कलर का यूज करके कलरिंग किया था उस पार्ट में अब मैं सिंपली ऑरेंज कलर का यूज करके वैसे ही हाईलाइट एरियाज को छोड़कर कलरिंग कर रहा हूँ। इसके बाद गाइज, मैं सिंपली फेस के राइट साइड में सिंपली लाइट एरियाज हैं, तो मैं सिंपली वहां पर येलो कलर का यूज करके कलरिंग कर रहा हूँ। एंड गाइज, येलो कलर से भी कंप्लीट फेस में कलरिंग कर देने के बाद अब मुझे रेफरेंस फोटो में जहां पर भी लाइट एरियाज में और ज्यादा डार्क एरियाज दिख रहे हैं, अब मैं सिंपली वहां पर रेड कलर का यूज करके कलरिंग कर रहा हूँ। रेड कलर से भी कंप्लीट फेस में कलरिंग कर देने के बाद अब मुझे रेफरेंस फोटो में जहां पर भी एकदम से ब्लैक पार्ट दिख रहे हैं, जैसे कि गाइज आई, आईब्रो, नोज एंड लिप्स में, अब मैं सिंपली डायरेक्ट ब्लैक कलर का यूज करके कलरिंग कर रहा हूँ। मैंने कंप्लीट फेस में ब्लैक कलर का यूज करके भी कंप्लीट कलरिंग कर दी है। इसके बाद अब मैं सिंपली इन सभी कलर्स को आपस में ब्लेंड करने के लिए सिंपली व्हाइट कलर का यूज करके मैं बिल्कुल एकदम हल्के हाथों से एकदम स्लोली स्लोली राउंड राउंड करके कंप्लीट कलर को आपस में ब्लेंड कर रहा हूँ।